सितंबर महीने में हुए मनी एक्सचेंज मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी गांव नकटा निवासी कमलदीप उर्फ दीपू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पर पहले से ही कई तरह के आरोप दर्ज है। ये 1/9/2021 को ये मुकेश है, सनोफ श्री लीला किशन जी, ये लालबत्ती चौक के ऊपर मनी ट्रांसफर की इनकी शॉप है। तो यहाँ पर एक लूट की घटना घटित हुई थी। इसमें 3 अननोन लड़के थे जो उनकी शॉप के अंदर आए और गन पॉइंट के ऊपर और दूसरे हथियारों के बल पे इनको बांध के इनके यहाँ से पैसे जो थे लूट के ले गए थे। तो इसमें पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए CCTV जो फुटेज है उनको खंगाला गया और उस विधान पर जो उसमें बंदे आए थे वो इनके जो मुकेश हैं, जो मुदई हैं, इनके द्वारा आइडेंटिफाई कर दिए गए थे और उस बिना पे इसको ट्रेस किया गया और जो सस्पेक्टेड थे उनको पुलिस ने कल जो है 10:30-10:20 के करीब इनको बैबलपुर से अरेस्ट कर लिया गया। ये मतलब आते थे मनी ट्रांसफर के रिगार्डिंग प्लानिंग बना के दिया जी। हाँ, उसमें ये रहा कि पुलिस की तत्पर कार्रवाई करते हुए जो CCTV फुटेज की सहायता से ये 24 घंटे के अंदर ही मामला ट्रेस आउट कर लिया। तो कोई व्हीकल का भी इस्तेमाल किया इन्होंने? व्हीकल बाइक का इस्तेमाल किया है, वो बरामदगी अभी बकाया है। तो ये कहाँ खड़े का की बात आ रही थी सर, गन भी मतलब लगा है इसमें हथियारों का? देखिए अभी जो और एक्यूज अरेस्ट होंगे और जो इसका रिमांड के उपरांत जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसमें ये बरामदगी और पैसा जो बकाया है। दूसरा जो पैसों का मैटर था जिसमें पहले मुदई ने 1 लाख रुपए भारतीय करेंसी और 1.5 लाख रुपये फॉरन करेंसी लिखाई थी, वो उसी में द्वारा ही क्या नाम मुदई से मतलब पूछा गया है। तो उन्होंने अपने द्वारा जो उन्होंने बतलाया कि भाई 1 से 1.5 लाख के करीब जो उनका पैसा वो गया है। लूटपाट, धोखाधड़ी, नशा तस्करी के विभिन्न 7 मामले दर्ज हैं और इसके दोनों साथी भी आपराधिक प्रवृत्ति के ही हैं। लूटपाट के मामले में आरोपी कमलदीप उर्फ दीपू की गिरफ्तारी के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए फतेहाबाद सिटी थाना के SHO इंस्पेक्टर सुरेंद्रा ने बताया कि 1 सितंबर को मनी एक्सचेंज के ऑफिस में लूटपाट की वारदात को कमलदीप उर्फ दीपू निवासी नकटा ने अपने 2 साथियों के साथ अंजाम दिया था। SHO ने बताया कि जांच पड़ताल में मनी एक्सचेंज ऑफिस के संचालक मुकेश ने रुपयों का रिकॉर्ड संभाल कर ये भी बताया कि कुल 1.5 लाख रुपए की ही नकदी लूटी गई है, जिसमें विदेशी करेंसी भी शामिल है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।